टू द नेक्स्ट डे ऑफ केदारनाथ सीरीज। आज हम सारे रेडी होके बाबा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं और आज 22 अक्टूबर है। यहाँ ठंड तो बहुत है लेकिन आज बाबा की कृपा से यहाँ धूप निकल गई है और जाम नहीं खत्म हो रहा भाई। जाम का बहुत बुरा हाल है, देखो तुम्हें जाम दिखाता हूँ। होटल के सामने से जमीन रास्ता है, ये सोनप्रयाग की तरफ बट रहा है। यहाँ पूरा ही जाम लगा हुआ है सुबह 5 बजे से। भाई साहब गाड़ी कहाँ से जाएगी ये समझ नहीं आ रहा। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और व्यू देखो, टॉप लेवल की पार्किंग है भाई। हमने गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी करने के बाद थोड़ी सी आगे चल के हमें ये सरकारी गाड़ियां मिलेंगी, पर्ची कट के ये हमें गौरीकुंड तक लेके जाएंगी। गौरीकुंड से हमारा मेन ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी तो बस हमारी वेरिफिकेशन चेक करिए ऑनलाइन जो हमने कराई थी। भाई सारे हमने पूरी गाड़ी बुक कर ली है अपनी गौरीकुंड के लिए। सब भाई हेलो बोलो, अपना इंट्रो तो दे दो। राम राम जी। राम राम भाई। वो कहा है हमारा एंटीक पीस? ये भाई क्रिश भाई, इनका नाम क्या? तो आयरा। ये हमारी भाभी जी ओमन लाला, हमारा पहले भी आया होगा। ये योगेश भाई। हम सब ने भोले बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी। आप बोलो शंकर भगवान की। भाई वो बेवकूफ सा गाड़ी वाला 15-20 मिनट तो बिठाए रखा वहां पे, वो इतनी दूर वहां पे बैठ के कहता है कि मैं आपको थोड़ी बोलूंगा कि उतरो आप गाड़ी से, यूं ही कह देता उतर जाओ। अभी हमारे सुबह का पहला मील फ्रूट्स। यहाँ पे इस ट्रैक पे आप हल्का ही खाना खाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई कम से कम 2300 किलोमीटर है। टेक लिया अपना और मत्था टेक के हम चल दिए ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलो हर हर महादेव। कहते हैं कि भैरव जैसी चढ़ाई है केदारनाथ की। मेरे को देख कहीं से भी भैरों वाली भी नहीं, उससे भी मुश्किल है। देखो नीचे देखो, पैर फिसल रहे हैं धीरे धीरे, रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं है। और 2 किलोमीटर भी आए हम, उसमें सबकी सांस फूलने स्टार्ट हो गई। गाइज क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ भाई 13 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन कुछ सच नहीं है, सब फुद्दू बनाने का काम है। और हमें 3 घंटे हो गए चलते हैं, 3.5 घंटे के आसपास हो गए हम चलते हुए मोटा मोटी। और अभी हम सर 3-4 किलोमीटर आए होंगे हद मार के। ये भैरों की कहते हैं भैरों की चढ़ाई आसान है, वो मुश्किल है। ये भैरों से भी भाई 10 गुना मुश्किल है। लेकिन व्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, कुछ भी हो व्यू देखो। और बारिश आ रही है, 1-1 मिनट में बारिश आ जाती है, 1-1 मिनट में धूप आ जाती है। सबसे खतरनाक था भाई ये पूरा, बिल्कुल भी यहाँ रास्ता नहीं था आने जाने का, इतनी मुश्किल से चढ़े यहाँ पे हम। पूरा रास्ता ऐसा है, कैसी कृपा है कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको दिखा इधर कहीं भी बारिश नहीं हो रही और इधर बारिश आ रही है, पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही, बड़ा अजीब सीन है भाई। वाटर प्रूफ शूज़ होगा तो लेके आना, पहन के कवर ले आना, शूज़ गीले हो गए बुरा हाल हो रहा है। जिन तल पहुँचे अब सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है केदारनाथ भवन का रास्ता, सांस फूलने चालू हो गया। अभी इतना अच्छा व्यू दिखता है इसका जस्टिस कोई भी कैमरा नहीं कर सकता भाई। जैसे मूवी में दिखाया ना केदारनाथ मूवी में वैसा बिल्कुल भी रास्ता नहीं है भाई। ये देखो
वेट कर रहे हैं, सब आगे पीछे हो चुके हैं भाई। अमन उधर गई और बहुत ज़्यादा थक चुके भाई। अब सिर्फ 7 किलोमीटर भवन कह रहे हैं रह गया, मतलब इतना शांत दिमाग हो रखा है ना यहाँ पे बैठे हुए। 15 मिनट से बैठा हूँ मैं नदी पे, ज़िंदगी के असली मज़े हैं। ये चॉकलेट ले आई और ये सामने मंदिर, मंदिर की पहली झलक। मेरे को ये नहीं पता मैं कैसे चल रहा हूँ, बस खींचा जा रहा हूँ भाई, ना मुझे आवाज़ निकल रही ना कुछ। -3 डिग्री टेम्परेचर है। ये मंदाकिनी नदी बिल्कुल मंदिर के पीछे से। बाबा श्री केदार जी के दर्शन। कल रात को वहां पे पीछे स्नोफॉल हुई है। दर्शन वगैरह हो गए, मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। बस अब ये व्यू जो है ये शायद मेरा लास्ट व्यू केदारनाथ का। सारे हमारी जैकेट बाबा के प्रसाद में हो गई है, येलो येलो वो जैकेट पहन के अंदर चले गए, तो बिल्कुल भी अंदर ऑक्सीजन नहीं होती भाई, बिल्कुल मेरी ऑक्सीजन लेवल 0 हो चुकी है ऐसा लग रहा है। कैसे कैसे शॉर्टकट ले रहे मैं कह रहा हूँ, यहाँ से चलो, यहाँ से नहीं जाना, शॉर्टकट में जाना है। और मोटा मोटी हम 4-4.5 किलोमीटर की लगभग नीचे आ गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग करा गया मेरे ऊपर। वहाँ पे जाके मेरा ब्लैकआउट हो गया था बिल्कुल ऊपर के दारा, तो मैं अब धीरे धीरे नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया हमने। हम मोटा मोटी 2-2.5 बजे नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया था। नीचे उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और एक इलेक्ट्रोलाइट की बोतल ये साथ में रखी हुई है, धीरे धीरे पीते रहो और चलते रहो। जय श्री केदारनाथ। 7 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे झरने पर वापस, लोकली झरने पर हमको, और 3:30 बजे हमने उतरना चालू करा था। एक जगह कितना रह गया, रास्ते को एकदम बेकार है भाई, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सोनप्रयाग पहुँच गया, टाइम अभी 10:30 बज रहे हैं, मेरे अभी साथी बाकी आने लग रहे हैं। और मैं जैसे पूरे ट्रैक में जाते टाइम मोटा मोटी 7 किलोमीटर के लिए घोड़ा यूज़ करा था, और आते टाइम भी 7 किलोमीटर के लिए, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, ऊपर मेरे को ऑक्सीजन चढ़वानी पड़ी थी और ग्लूकोज वगैरह। और अब बस मैं सोनप्रयाग में उन सबका वेट कर रहा हूँ, आगे की सीरीज़ आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। बोलो जय श्री केदार। दिल्ली में इतने तारे नहीं दिखते कभी भी, गाड़ी जैसे छोड़ के गया था वैसी खड़ी है। रात के 1 बज रहे हैं, अब पहुँचे हैं पार्किंग तक वापस।